किसान भाइयों नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर तकनीक के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की कैसी फसल है जिसको भारत देश के सभी राज्यों में बहुत पसंद की जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। किसान भाइयों, ये आलू की फसल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की है। किसान भाइयों, इस फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल शुरू से किया गया है। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हम क्यों करें, हम इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि मल्टीप्लायर तकनीक से की गई फसल में कोई रोग, कोई कीट आने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पत्ते डार्क ग्रीन होते हैं, पत्तों का साइज़ बड़ा होता है और पौधों की संख्या या उनकी ब्रांचेज की संख्या बहुत अच्छी होती है। और यही सब वजह है जिसकी वजह से पौधों का जो अच्छी ग्रोथ होने की वजह से, सब कुछ अच्छा होने की वजह से उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। किसान भाइयों, फसल में रोग और कीड़े कम हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि जब आप मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करते हैं तब आपके फसल में उत्पादन, आलू का जो साइज़ है, उसका जो वज़न है, इन सब में बहुत ही वृद्धि मिलती होती है, उसकी गुणवत्ता में बहुत वृद्धि होती है। इसकी वजह से आप सभी किसान भाई बहुत लाभान्वित होते हैं। किसान भाइयों, आपको आश्चर्य होगा कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जब आप खेती करते हैं, आलू फसल करते हैं, तो आप एक एकड़ से मैक्सिमम 140 कुंटल तक ही उत्पादन ले सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये किसान भाइयों का बताना है, ये वैज्ञानिकों का बताना है। लेकिन यहीं पे मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो भी आप उर्वरक दे रहे हैं, जो भी स्प्रे कर रहे हैं उसी के माध्यम से, तो आप एक एकड़ में 190 कुंटल तक प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन में वृद्धि करके उसका रिजल्ट लेकर के तब हम आपसे बात कर रहे हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक देने का माध्यम दो तरह से है, या तो आप बहते हुए पानी के साथ दें, या फिर आप किसी खाद के साथ, या बर्मी कंपोस्ट के साथ, या फिर गोबर की खाद, भुरभुरी खाद, सड़ी हुई खाद, अच्छे से जो भुरभुरी हो उसके साथ मिला कर दें। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल जमीन से लगभग 2 से 3 किलो होता है। उपयोग करने का तरीका है कि अगर आप 3 किलो दे रहे हैं तो 1-1 किलो करके 3 बार में दें 3 महीने में। अगर आप 2 किलो दे रहे हैं तो 1-1 किलो करके 2 बार दें। और स्प्रे में आप 20 ग्राम पर 15 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको जब भी कोई स्प्रे करें उसे साथ में मिला करके स्प्रे करें, या सिंगल भी स्प्रे करें। अब जब आप इस तरह से करेंगे तो आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन, वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। किसान भाइयों, ये अलग अलग खेत की अलग अलग वीडियोज़ हैं और लेकिन फसल एक जैसी है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मुझे किसान भाई बताते हैं कि ये इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और ये इस तरह से फसल बनी है। तो देर किस बात की, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करें और आप अपने साथ साथ अपने बहुत सारे किसान भाइयों को ये लाभ पहुँचा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे किसान भाई समृद्धशाली बन सकते हैं। ये हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने बुलंदशहर में मल्टीप्लायर तकनीक की खेती की है। किसान भाइयों, मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी फसल को रोग मुक्त बनाएं, कीट मुक्त बनाएं और अधिक से अधिक उत्पादन देने युक्त बनाएं, जिससे कि आपके खर्चे भी कम होते जाएं और आपका उत्पादन बहुत बढ़ता जाए। आप इसकी ब्रांचेस देख रहे हैं, इसका फसल का जो ग्रोथ है, जो कलर है, वो इतना शानदार है कि कोई भी इसको देख कर आता है तो जरूर पूछता है कि आपने इसमें क्या उपयोग किया है। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जो शुरू से अभी तक इसमें उपयोग हुआ है। किसान भाइयों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय।